मेरे स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग, दिस इज क्लास 8th लेसन सेकंड पढ़ रहे हैं हम टॉम व्हाइट वर्सेस द फेंस और इसका डे 4th है। ऑनलाइन स्टडी चल रही है आपकी और हम इंग्लिश लिट पढ़ रहे हैं। उसकी कुछ भी वर्ड मीनिंग्स हैं ये आपको अपनी नोटबुक में राइट करनी है और इससे आगे कल जहां तक हमने इसका रीड कराया था प्रीवियस क्लास में उससे आगे आज रीड करेंगे। Listen attentively and open your book at page number 12. और अपनी बुक ओपन कीजिए पेज नंबर 12 पर और वहां से आगे देखेंगे। He took up his brush. उसने अपना ब्रश उठाया and went triumphantly to work. और वह शांतिपूर्वक अपना काम करने लग गया। Soon, शीघ्र ही Ben Rogers. सीग्री बेन रोजर्स केम इन साइट और सीग्री जैसे उसने अपना ब्रश उठाया और वह सफेदी करने लग गया तो वह क्या देखता है, बेन रोजर्स उसे दिखाई देता है। बेन रोजर्स उसे दिखाई देता है, द वेरी बॉय ऑफ ऑल बॉयज, वह बहुत लड़कों में से उसका मित्र था। हुज रिड्यूकल ही हैड बीन ड्रेडिंग, जो एक रिड्यूकल हंसी का पात्र बन चुका था सभी बच्चों के लिए, वह एक हंसी का पात्र था। बेन्स गेट वॉच और जो बेन की चाल थी, इसका मीन्स जो उसका चलने का तरीका था, वॉज द हॉप स्किप एंड जंप, वह हॉप स्किप था, उछलते कूदते हुए वह चलता था। प्रूफ एनफ जो सिद्ध करता था दैट हिज हार्ट वॉज लाइट, कि वह उसका जो हृदय है वो साफ है, निर्मल है, स्वच्छ है। एंड हिज एंटिसिपेशंस हाई, और लेकिन जो उसकी महत्वाकांक्षा है वो उच्च है। ही वॉज ईटिंग एन एप्पल और बेन जो बेन था वह बेन रोजर्स था वह एक सेब खा रहा था। एंड एट द सेम टाइम और उसी समय मूविंग हिज एंड और वह अपने एक हाथ को हिला रहा था, एक हाथ से सेब खा रहा था और एक हाथ को हिला रहा था। एज ए फीवर स्टीयरिंग आ से, मानो जैसे वह एक जलपोत हो, इस तरह से जलपोत हो। सीइंग टॉम्स टॉम को देखकर, उसने देखा टॉम सामने है, ही स्टॉप वह रुक गया फॉर अ वाइल, और उसने देखा कि टॉम यहां पर है तो वह उसे देखकर के रुक गया कुछ पल के लिए। एंड देन केम नियर और तब उसके पास आया, टॉम वेंट ऑन व्हाइट वॉशिंग और टॉम अपने काम में लगा रहा, इट मीन्स वह सफेदी करता रहा विदाउट पेइंग एनी अटेंशन टू हिम और उसने बेन रोजर्स की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया, वह अपने काम में लगा रहा। बेन स्टार्ट स्टीयर्ड अ मोमेंट, बेन ने एक पल के लिए उसे घूरा, इट मीन्स ध्यान से देखा। एंड देन सेड और तब कहा, और देन सेड और तब कहा, हाय हाय You are busy with your work. तुम अपने काम में बिजी हो, aren't you? क्या तुम नहीं हो? No answer. टॉम ने कोई उत्तर नहीं दिया। टॉम surveyed his last touch. टॉम ने निरीक्षण किया अपने last जो moment थी, last जो touch था, final touch था, with the eye of an artist. एक कलाकार की तरह उसने अंतिम बार उस दीवार को देखा। Then he gave his brush another gentle sweep. तब उसने अपना ब्रश एक दूसरी gentle sweep, एक सामान्य सी sweep, एक सामान्य सा ब्रश करने के लिए या white wash करने के लिए, and surveyed the result. और उसने उसका सर्वे किया, आकलन किया उस परिणाम का, as before पहले की तरह। बेन केम नियरर, बेन अब उसके और नजदीक आ गया। टॉम्स माउथ वॉटर्ड फॉर द एप्पल और टॉम का जो मुंह था उसमें पानी आ गया एप्पल के लिए। एप्पल जैसे ही उसने सेब देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया। बट ही स्टक टू हिज वर्क, लेकिन वह अभी भी अपने काम को करता रहा, अपने काम पर लगा रहा। बेन सेड, बेन ने कहा, आई एम गोइंग फॉर अ स्विम इन द रिवर, मैं नदी में तैरने के लिए जा रहा हूं, डोंट यू विश यू कुड, क्या तुम नहीं चलोगे, क्या तुम्हारी इच्छा नहीं है
बट ऑफ कोर्स लेकिन वास्तव में निसंदेह यू हैड रेदर वर्क वुडंट यू, वास्तव में तुम्हारा ये काम नहीं है जिसे आप कर रहे हो। टॉम मूव्ड सडनली, टॉम अचानक घूमा एंड सेड और कहा व्हाई, इट इज यू बेन, अरे बेन तुम हो। आई वाजंट नोटिसिंग, मैंने नहीं देखा, मैंने ध्यान नहीं दिया कि तुम हो। बेन सेड अगेन, बेन ने दोबारा कहा आई एम गोइंग फॉर अ स्विम, मैं तैरने के लिए जा रहा हूं, एंड आई थिंक यू आर टू बिजी, लेकिन मुझे लगता है तुम तो बहुत अधिक बिजी हो विद योर वर्क, अपने काम में, टू जॉइन मी, तो आप मेरे साथ कैसे चलोगे। टॉम कंटेम्पलेटेड द बॉय अ बिट, टॉम ने लड़के से एक पल के लिए, एंड सेड और कहा व्हाट डू यू कॉल वर्क, तुम किसे काम बोलते हो। What do you call work? Why isn't that work you have been doing? क्या ये काम नहीं है जिसे तुम कर रहे हो? Tom resumed to his white washing. Tom ने फिर अपनी जो white wash थी सफेदी करना प्रारंभ कर दिया, and answered carelessly, और उसने लापरवाही पूर्वक उत्तर दिया, well maybe it is, अच्छा ये होता कि ये काम होता, and maybe it isn't, और अच्छा होता ये काम भी नहीं होता। All I know is I like it. और all I know, मुझे सब पता है कि मैं इसे प्रेम करता हूँ, मुझे ये पसंद है काम करना, इसलिए मैं इसे कर रहा हूँ। Oh, come now. अरे आ जाओ। You don't mean to say you really like it. You don't mean, तुम्हारा यह मतलब नहीं है to say, कहने का you really like it. तुम वास्तव में इसे प्रेम करते हो। The brush continued to move. और Tom अपने ब्रश को लगातार चलाता रहा, इट मीन्स वे लगातार सफेदी करता रहा। लाइक इट, इसकी तरह, वेल आई डोंट सी व्हाई आई शुडंट, डज अ बॉय गेट अ चांस टू व्हाइट वॉश अ फेंस एवरी डे। वेल अच्छा, आई डोंट सी, मुझे नहीं लगता, व्हाई आई शुडंट, मुझे ये काम क्यों नहीं मिला। डज अ बॉय, क्या एक बच्चे को गेट अ चांस, मौका मिलता है टू व्हाइट वॉश अ फेंस, एक चार दीवारी पर सफेदी करने का एवरी डे, प्रत्येक दिन। यहां तक आप सभी टिक कर लें, टिक हियर, ये वर्ड मीनिंग है इसकी, जो ये पैसेज आज पढ़ाई गई है इसमें जो वर्ड मीनिंग और नहीं आती आप उसे पॉइंट आउट करें, इट मीन्स उसे ढूंढें, अंडरलाइन द टिपिकल वर्ड्स, जो वर्ड अभी आपको नहीं आते हैं मैंने वैसे लिखा दिया और नहीं आते हैं तो उन्हें भी आप अपनी नोटबुक में राइट करेंगे और अपने आप ढूंढेंगे, सर्च करेंगे वर्ड मीनिंग्स को, और यहां तक रीड कर लें ये चैप्टर, आगे आगे करा दिया जाएगा, बड़ा चैप्टर है, नेक्स्ट क्लासेस में रीड दिस चैप्टर एंड अंडरलाइन द टिपिकल वर्ड्स। इस चैप्टर को पढ़िए और अंडरलाइन करें और कंटिन्यू पढ़ें, क्लास एक भी मिस नहीं होनी चाहिए, ऑनलाइन क्लासेज है, आपके लिए बेनिफिट रहेगा, स्टडी आपकी कंटिन्यू रहेगी तो आप अपने सिलेबस में आगे रहेंगे। ओके, थैंक यू।